फ्रेंड्स, मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन स्पेशल में आज हम कॉस्मेटिक बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मेकअप बॉक्स स्टिच किया है। देखिए, इसको हम इस साइड से ओपन करेंगे। इस पे देखिए एक जिप से हमारी साइड पॉकेट है, इसपे अपना मेकअप का कुछ भी सेट करते हुए इसमें रख सकते हैं। जिप से इसको लॉक कर दीजिए और टू ओपन पॉकेट्स हमारी साइड है। दोनों पॉकेट्स में अपना कुछ भी मेकअप का सामान सेट करते हुए रख सकते हैं और इस साइड भी काफ़ी स्पेस है, इसमें भी अपना कुछ भी रखते हुए मेकअप के सामान को सेट करते हुए जिप से इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। ये बॉक्स देखिए काफ़ी खूबसूरत स्टिच हुआ है बैक साइड से और इस साइड से। देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बैग स्टिच हुआ है और इस बैग को आप इस हैंडल से कैरी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बॉक्स बहुत ही यूजफुल है, इसको आप जरूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा मेकअप बॉक्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए हम इस बॉक्स को स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। मेकअप किट बनाने के लिए हमने 7x10 के देखिए 2 क्विल्टेड पीसेस लिए हैं। इसमें हमने मेन फैब्रिक, रबर शीट और लाइनिंग को लेते हुए साइड से स्टिच करके हमने दोनों पार्ट्स को रेडी किया है। तो हमें 7x10 के 2 क्विल्टेड पीसेस लेने हैं और ये हमने 7x10 की ट्रांसपेरेंट शीट ली है और इसमें हमने दोनों साइड से 10 की साइड में देखिए पाइपिंग को स्टिच करके रेडी कर लिया है। और ये हमने 3x5 का देखिए क्विल्टेड पीस लिया है और एक हमने प्लेन पीस लिया है 3x5 का। 1.25 यानी 1/4 इंच x 26.5 का ये हमने 2 क्विल्टेड पीसेस लिया है और ये हमने 10x12 का ये देखिए एक प्लेन पीस लिया है और 10 इंच की ये हमने एक इलास्टिक ली है। 26.5 की ये हमें एक जिप लेनी है और इसमें हमें डबल रनर्स लेने हैं और ये हमने 10 इंच की जिप ली है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है। सबसे पहले हम 7x10 की ये ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे और ये हम 10 इंच की जिप लेंगे। जिप का राइट साइड अपर की साइड में होगा और इस ट्रांसपेरेंट शीट को जिप के ऊपर रखते हुए हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए इस साइड अटैच कर दिया ट्रांसपेरेंट शीट में और अब हम इसकी दूसरी साइड में आएंगे और इस साइड से हम यहाँ पर 1.5 इंच पे देखिए डाउन करते हुए इस ट्रांसपेरेंट शीट को हम यहाँ से ऐसे सीधे कट कर लेंगे। 1.5 इंच पे डाउन करते हुए देखिए ट्रांसपेरेंट शीट को हमने कट कर लिया है और जिस साइड हमने देखिए पाइपिंग अटैच की है उसको हम जिप के ऊपर देखिए ऐसे जिप की दूसरी साइड में रखेंगे और स्टिच करके अटैच कर देंगे। इस साइड पे मैंने देखिए ट्रांसपेरेंट शीट को इसमें अटैच कर दिया है और अब हम देखिए ट्रांसपेरेंट शीट का मेजरमेंट करेंगे। ये हमें 7x10 की ट्रांसपेरेंट शीट रेडी करनी है। तो जिप लगाने के बाद ये देखिए ट्रांसपेरेंट शीट का पार्ट थोड़ा सा बढ़ गया है। इस साइड से हम देखिए डाउन करते हुए 7 इंच पे इसको हम एक्स्ट्रा पार्ट को सीधे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए साइड से कट कर लिया है और अब हम जिप को ओपन करके इसमें हम रनर डालेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है। 7x10 की ये दोनों क्विल्टेड पीसेस लेंगे। देखिए एक क्विल्टेड पीस को चारों कॉर्नर्स में हमने देखिए शेप में कट किया है और अब हम इस क्विल्टेड पीस को भी शेप में कट करेंगे। तो एक कॉर्नर से हम यहाँ पर देखिए 1/2 इंच पे कॉर्नर से हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है और इस साइड 1 इंच पे डाउन करना है और इस साइड से भी हम 1 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और अब देखिए जो 1 इंच पे मार्क किया था इस साइड से हम शेप में मार्क करते हुए 1/2 इंच वाले मार्क में मिलाएंगे। इसके बाद 1 इंच वाले मार्क में मिलाते हुए ऐसे हम देखिए शेप में मार्क कर लेंगे और इस क्विल्टेड पीस को हम देखिए इस कॉर्नर से सेट करते हुए इस साइड भी यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस साइड भी चौक से मार्क हो गया है, इसको हम डार्क कर लेंगे और ऐसे ही हम इन दोनों कॉर्नर्स पे भी मार्क कर लेंगे। देखिए क्विल्टेड पीस को कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए ऐसे सेट करना है और ऐसे हमें प्रेस करना है और इस साइड भी देखिए दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए यहाँ पर प्रेस कर लेंगे और इसको भी हम डार्क कर लेंगे। चारों कॉर्नर्स पे हमने देखिए शेप में मार्क कर लिया है और अब देखिए इसको हम फोल्ड करते हुए दोनों कॉर्नर्स को बराबर में लेते हुए इसको हम ऐसे शेप में कट कर लेंगे। कॉर्नर्स को हमने देखिए शेप में कट कर लिया है और ऐसे ही हमने देखिए इस क्विल्टेड पीस को भी शेप में कट किया है। दोनों पार्ट्स देखिए सेम साइज़ के रेडी हो गए हैं
और इसमें से हम एक पार्ट को लेंगे और ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है इसको हम इसकी बैक साइड में देखिए ऐसे रखते हुए इसमें हम पिनअप कर लेंगे। पहले पिन से हमने देखिए सेट कर दिया ट्रांसपेरेंट शीट को और अब हम देखिए इस साइड से राउंड में स्टिच करके ट्रांसपेरेंट शीट को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। ट्रांसपेरेंट शीट को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया क्विल्टेड पीस में। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है ट्रांसपेरेंट शीट का चारों कॉर्नर से इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए कॉर्नर से कट कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स जिस साइड हमने जिप वाला पार्ट अटैच किया है जिप अटैच की है उसकी हम इस साइड आएंगे क्विल्टेड पीस की साइड में। इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर के मार्क से हम यहाँ पर देखिए 2 इंच पे इस साइड मार्क कर लेंगे और इस साइड भी 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये हम हैंडल लेंगे, ये हमने 14 इंच का हैंडल लिया है और इस हैंडल को मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में रखेंगे इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से रखते हुए हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। हैंडल को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया क्विल्टेड पीस में और अब देखिए हम 10x12 का ये प्लेन पीस लेंगे और ये हम 10 इंच की इलास्टिक लेंगे। इसको हम देखिए 10 की साइड में, ये 10 का साइड है और ये 12 का साइड है, 10 की साइड में इस प्लेन पीस को फोल्ड करते हुए सेंटर से हम इसको प्रेस करेंगे और इस प्लेन पीस को हम देखिए जिस साइड से फोल्ड किया है उस साइड हम यहाँ पर 1 इंच पे ऐसे डाउन करते हुए प्लेन पीस को ऐसे हम देखिए प्रेस कर लेंगे। इस साइड देखिए 1 इंच पे फोल्ड करके हमने मार्क कर लिया है और अब हम इस मार्क वाली लाइन पे ऐसे हम स्टिच कर लेंगे। इसमें प्लेन पीस को हमने देखिए स्टिच कर लिया है 1 इंच पे डाउन करते हुए और अब देखिए ये हम इलास्टिक लेंगे और ये हम सेफ्टी पिन लेंगे। इसमें हम देखिए सेफ्टी पिन से सेट कर लेंगे। अब हम इस साइड से इलास्टिक को अंदर की साइड में सेट करेंगे। इस साइड से हमने देखिए इलास्टिक को प्लेन पीस पे सेट कर लिया अंदर की साइड में और अब हम इलास्टिक को लेते हुए प्लेन पीस को इस साइड से हम लॉक कर देंगे। इस साइड से हमने देखिए प्लेन पीस को इलास्टिक के साथ में स्टिच कर लिया है और अब हम इसके दूसरे साइड वाले पार्ट को दूसरी साइड में देखिए बाहर की साइड में करेंगे और पिन को ओपन कर लेंगे और इलास्टिक को लेते हुए प्लेन पीस के साथ में इस साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब हम इस प्लेन पीस को देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। प्लेन पीस पे हमने देखिए साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है और अब ये हम 7x10 का प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को हम 10 की साइड में फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। इसमें भी हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और इस प्लेन पीस को हम इस प्लेन पीस के ऊपर ऐसे रखेंगे सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे। इनसे हमने देखिए प्लेन पीस को सेट कर दिया है और अब हम देखिए इस प्लेन पीस को इस साइड से ऐसे सेट करेंगे और यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ये जो प्लेन पीस है इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर छोटी सी प्लेयर्स हमको स्टिच करते हुए प्लेन पीस को हमें इसमें अटैच करना है तो हम देखिए ऐसे सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया है। देखिए ऐसे स्टिच करना है और यहाँ पर छोटी छोटी 2 प्लेट्स हमें इस साइड से और इस साइड से देनी है दोनों साइड से और इस साइड से सेंटर में भी हमने स्टिच करके पॉकेट को रेडी कर लिया। देखिए 2 पॉकेट्स इसमें इलास्टिक से रेडी हो गई और अब देखिए फ्रेंड्स हम ये दूसरा क्विल्टेड पीस लेंगे 7x10 का और इस प्लेन पीस को हम यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए प्लेन पीस को इसमें सेट कर दिया है और अब हम इस साइड आएंगे और इस प्लेन पीस को भी हम राउंड में स्टिच करके क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने देखिए कट कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड जिस साइड से पॉकेट का ओपन वाला पार्ट है उस साइड हम यहाँ पर देखिए क्विल्टेड पीस को फोल्ड करते हुए इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर के मार्क से हम 2 इंच देखिए इस साइड सेट करते हुए मार्क कर लेंगे और ऐसे ही इस साइड भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और ये हम 14 इंच का दूसरा हैंडल लेंगे और इस हैंडल को भी हम मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में रखेंगे और ऐसे ही दूसरे साइड वाले पार्ट को दूसरी साइड में सेंटर में रखते हुए अटैच कर देंगे दोनों साइड से। इस क्विल्टेड पीस पे भी हमने देखिए हैंडल को अटैच कर दिया है और अब देखिए हम
सवा इंच बाय 26.5 के ये दोनों फुल टेक पीसेस लेंगे और ये हम 26.5 इंच की जिप लेंगे। जिप को हम फुलटेक पीस पे देखिए ऐसे रखेंगे, फुलटेक पीस का राइट साइड और जिप का राइट साइड दोनों एक साइड में ऐसे रखते हुए हम सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस फुलटेक पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए दोनों कुटेक पीस में अटैच कर दिया है और अब हम जिप को ओपन करके इसमें हम रनर्स डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर्स डाल लिया है और अब ये हम 3x5 का कुटेक पीस लेंगे और प्लेन पीस लेंगे और इस कुटेक पीस को हम देखिए इस ऐसे एक साइड में रखेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए हम इस साइड से स्टिच कर लेंगे और ऐसे दूसरे साइड वाले पार्ट को हम दूसरी साइड में ऐसे रखते हुए हम अटैच कर देंगे दोनों साइड से। जिप वाले पार्ट को हमने देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से इसमें अटैच कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो प्लेन पीस है इसको हम जिप वाले पार्ट के ऊपर ऐसे रखेंगे। देखिए प्लेन पीस का राइट साइड अंदर की साइड में होगा और इसको हम ऐसे रखते हुए इस साइड से अटैच कर देंगे और ऐसे ही दूसरी साइड में भी देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे और इस साइड वाले पार्ट को हम इस साइड से दोनों साइड से देखिए ऐसे हम अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को भी हमने देखिए दोनों साइड से अटैच कर दिया है इसमें जिप वाले पार्ट में और अब हम प्लेन पीस को पलट कर बैक साइड में कर लेंगे। देखिए प्लेन पीस बैक साइड में सेट हो गया है और अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ से दाब सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे और इस साइड से ऐसे चारों साइड से स्टिच कर लेंगे और प्लेन पीस को अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया कुटेड पीस पे और अब हम देखिए दोनों स्टिच लाइन को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर हम पिन अप करेंगे। पिन से हमने देखिए जिप वाले पार्ट को सेट कर दिया है और अब हम इस कुटेड पीस को देखिए ऐसे प्रेस करते हुए देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। कुटेड पीस से हमने दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है और अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और इसको हम इसमें अटैच करेंगे। देखिए जिस साइड हमने जिप अटैच की है उसको हम देखिए ऐसे रखेंगे। जिप वाला पार्ट भी देखिए राइट साइड अपर की साइड में होगा और इस कुल्टेड पीस का भी राइट साइड अपर की साइड में होगा और दोनों सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे। पिन से हमने देखिए सेट कर लिया है और ऐसे इस साइड भी जो सेंटर का मार्क है और इस मार्क को दोनों मार्क को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए पिनअप कर लिया है और अब हम दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर लेंगे। तो ये हम पाइपिंग लेंगे, पाइपिंग को साथ में लेते हुए स्टिच करेंगे। ये हमने मेन फैब्रिक की 1.5 इंच की पाइपिंग ली है और पाइपिंग को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे हम बैक साइड में ऐसे रखते हुए राउंड में स्टिच कर लेंगे और दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए जिप वाले पार्ट को स्कूल्टेड पीस में अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है। देखिए नीटली ये वाला पार्ट इसमें अटैच हो गया है। जैसे हमने इस पार्ट को स्कूल्टेड पीस में अटैच किया जिप वाले पार्ट में वैसे ही जो इसका दूसरा वाला पार्ट है उसको हम दूसरी साइड में देखिए ऐसे यहाँ पर रखते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे। तो जिस साइड जिप वाला पार्ट है उस साइड ये हैंडल वाला पार्ट होगा और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप करेंगे और ऐसे इस साइड भी सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे और इसको भी हम राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। इस साइड भी हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है और दोनों साइड से देखिए ये पार्ट्स दोनों नीटली अटैच हो गए हैं इसमें और अब हमारा ये मेकअप बॉक्स बन के रेडी हो गया है। इसको हम देखिए ओपन करेंगे और इसमें देखिए एक बड़ी पॉकेट जिप से है, इसको देखिए ओपन करेंगे और इस पर अपना कुछ भी सेट करते हुए जिप से इसको लॉक कर दीजिए और इस साइड इलास्टिक से टू हमारी बड़ी पॉकेट्स हैं, इसमें भी अपने सामान को सेट करते हुए रख सकती हैं और इस साइड भी अपने सामान को रखते हुए इसको जिप से यहाँ से लॉक कर दीजिए। और
इस बैग को आप देखिए सैंडल से ऐसे कैरी भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स ये बैग बहुत ही यूजफुल है, आप इसको जरूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारी मेकअप किट पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।